गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो अपन पहले पढ़ रहे थे, अपन डिस्कस कर रहे थे, वो कर रहे थे न्यू बोर्न का असेसमेंट अपन पढ़ रहे थे। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक अपना न्यू बोर्न का असेसमेंट मैंने कंप्लीट करा दिया था। ठीक है ना, जिसमें अपन ने इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, जिसमें अपन ने रिफ्लेक्सेस भी देख लिया। रिफ्लेक्सेस मैंने लास्ट क्लास के अंदर, मैंने पिछले जो वीडियोज़ थे उसके अंदर मैंने पढ़ा दिया था। उसके अलावा फिर अपन ने गेस्टेशनल एज का जो असेसमेंट है वो देखा। ठीक है, इमीडिएट केयर देखी अपन ने, ट्रांजिशनल असेसमेंट देखा, ड्यूरिंग द पीरियड का असेसमेंट देखा। ठीक है, अपने अपने असेसमेंट आपका स्कोरिंग देखा, हेड टू टो एग्जामिनेशन देखा, फिजिकल एग्जामिनेशन देखा। तो मोस्टली अपना एक तरीके से बोलते थे कि अपन जो न्यू बोर्न असेसमेंट था वो अपना कंप्लीट हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ रहे थे, अपन जो पढ़ क्या रहे थे, अपन जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना, जो नेम है उसका है नियोनेटल रिसस्टिटेशन। ठीक है, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट का कभी क्वेश्चन पूछा जाता है और कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ जाते हैं। रिसस्टिटेशन या बोल सकते हैं बर्थ एस्पैक्सिया, कि बच्चे के जब बर्थ एस्पैक्सिया, मैं आपको अलग से वो पढ़ाऊंगा, ये नियोनेटल जब बर्थ एस्पैक्सिया हो जाता है तब नियोनेटल रिसस्टिटेशन अपन करते हैं, तो बच्चे को रिकवर करने के लिए। तो वही अपन इसके अंदर, पहले नियोनेटल रिसस्टिटेशन एक प्रोसीजर है जिसे आप अडल्ट में यूज करते हो। जैसे मैं बोल दूँ कि CPR की कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिटेशन इन अडल्ट के अंदर अपन जो बोलते हैं, वैसे बच्चों के अंदर जो CPR किया जाता है उस तरीके से उसको नियोनेटल रिसस्टिटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो नियोनेटल न्यूबोर्न दोनों एक अपन बोल सकते हैं, कि नियोनेटल हो या न्यूबोर्न हो, कि बोल सकते हैं कि विद इन द 20 बोल सकते हैं बेबी बर्थ होने के बाद, और 80-28 डेज का जो बेबी होता है तो उसे न्यूनेटल बोलते हैं, न्यूबॉर्न बोलते हैं, तो उसको रिसर्टिटेशन करना। रिसर्टिटेशन का मतलब होता है, एक मैं हिंदी में बोलूँ तो पुनरावर्ती, और मैं वर्ड में दूसरे बोलूँ रिसर्टिटेशन का मतलब रिकवर करना, कि जो कंडीशन में पहले से था रिकवर करना उसी कंडीशन में वापस उसको लाना। जैसे बात होते हैं नॉर्मल ब्रीथिंग पेशेंट में, बच्चा नॉर्मल ब्रीथिंग दे रहा है, उसका जो हार्ट रेट है नॉर्मल चल रही है, तो उसका अगर मान लो कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाए कि उसकी ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो, हार्ट रेट में प्रॉब्लम हो, तो देन उसके बाद जो रिसर्टिटेशन करना उसको उसी अवस्था में वापस करना जो पहले की अवस्था में था, मतलब जिस ठीक अवस्था में था उसी में वापस लाना, ही क्या कहलाता है, रिसर्टिटेशन कहलाता है। क्या क्या मेथड यूज़ करते हैं, कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं, वो इसके अंदर अपन पढ़ेंगे, कि बच्चे को मतलब हो सकता है न्यू बॉर्न को हो या न्यूनेटल या इन्फेंट को हो, तो उस कंडीशन में लाने के, रिकवर करने के लिए, रिसर्टिटेशन लाने के लिए कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं, वो अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्टली कि न्यूनेटल रिसर्टिटेशन क्या होता है। मैं वर्ड्स के अंदर बता दूँ कि न्यूनेटल रिसर्टिटेशन क्या होता है, कि इसको पहली बात तो न्यूबॉर्न रिसर्टिटेशन भी बोलते हैं अपन। ठीक है, जो नियोनेटल रिसस्टिटेशन है उसको न्यूबॉर्न रिसस्टिटेशन भी बोलते हैं। ये एक इमरजेंसी प्रोसीजर है, जिसे मैं बात बात करूँ कि जैसे अपने जब CPR पढ़ते हैं, ठीक है, अडल्ट के अंदर कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिटेशन करते हैं, तो कार्डियो यानी होता है हार्ट, पल्मोनरी या तो लंग्स, रिसस्टिटेशन कार्डियो को, हार्ट को, दोनों को वापस क्या करना, उसी रिकवर पोजिशन में लाना जो पहले की स्थिति में था उसी में लाना, मेथड यूज़ करके, वही CPR कहलाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर एक इमरजेंसी प्रोसीजर है ये भी, नियोनेटल रिसस्टिटेशन, जिसमें बच्चे क्या कहता है, ये मतलब अप्रोक्सीमेटली मतलब सपोर्ट करने के लिए, मतलब न्यूबॉर्न के लिए, मतलब मान लो कोई रिएक्ट नहीं कर पाता है, ब्रीथिंग नहीं ले पा रहा है, या कोई इंजरी हो गई हो, वो सकते हैं हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ा हो, या उस कंडीशन को रिकवर करने के लिए जो अपन मेथड यूज़ करते हैं, या वो सकते हैं जो प्रोसीजर यूज़ करते हैं इन इमरजेंसी केसेस के अंदर, वो नियोनेटल रिसर्टिटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है वो? नियोनेटल रिसर्टिटेशन कहलाता है। तो नियोनेटल रिसर्टिटेशन आल्सो नोन एज न्यूबॉर्न रिसर्टिटेशन, कि नियोनेटल रिसर्टिटेशन को अपन न्यूबॉर्न रिसर्टिटेशन भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, न्यूनेटल रिसर्टिटेशन को अपन क्या बोलते हैं, न्यूबॉर्न रिसर्टिटेशन भी बोलते हैं। इज एन इमरजेंसी प्रोसीजर फोकस ऑन सपोर्टिंग द अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ न्यूबॉर्न चिल्ड्रन, की क्या करते हैं, ये इमरजेंसी प्रोसीजर है जो फोकस करता है, सपोर्टिंग करता है अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ न्यूबॉर्न चिल्ड्रन, 10% न्यूबॉर्न चिल्ड्रन के अंदर, हु डू नॉट रेडली बींग ब्रीथिंग, जो बच्चे मतलब बोल सकते हैं कि सांस लेने के लिए, ब्रीथिंग लेने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए रेडी नहीं हो पाते हैं, प्रॉब्लम्स हो जाती है, पुटिंग देम द रिस्क ऑफ इरिवर्सिबल ऑर्गन, जो रिवर्स इरिवर्सिबल ऑर्गन इंजरी एंड डेथ, कि उस पेशेंट की बोल सकते हैं या बच्चे की जो इरिवर्सिबल ऑर्गन जो इंजरी हो जाए, मतलब वो वापस रिवर्स नहीं हो सकते उस ऑर्गन के अंदर, मतलब ऐसी इंजरी हो जाती है जिसके कारण वो जो जो ऑर्गन से वो डैमेज हुए हैं या बोल सकते हैं डेथ हुए, उसके रिकवर नहीं हो पाते, उस कंडीशन के अंदर क्या करते हैं, उस कंडीशन के अंदर नियोनेटल रिसर्टिटेशन दिया जाता है। बोल सकते हैं ये इमरजेंसी प्रोसीजर है जिसके अंदर हार्ट की बात कर लें अपन या ब्रीथिंग की बात कर लें, उनको क्या करना है, रिसर्टिटेशन किया जाता है।
समझ में गया था। तो रिसेट्रेशन का मतलब यह है कि जब बच्चे इमरजेंसी फोकस में, पहली बात तो ये इमरजेंसी केस में किया जाता है, जब बच्चे को मतलब कोई ब्रीथिंग के लिए रेडी ना होते हैं और साथ में रिस्क होते हैं कि इरिवर्सिबल ऑर्गन कोई जो जिसके रिवर्सिबल नहीं हो सकते, रिवर्स नहीं हो सकते, उस कंडीशन के अंदर इंजरी हो जाए, डेथ हो जाए, तो उनको उन कंडीशन के अंदर क्या करते हैं अपन, नियोनेटल रिसेट्रेशन देते हैं। अब ये तो पता लग गया कि हाँ भाई ठीक है, अब नियोनेटल रिसेट्रेशन देते हैं, तो अब आपको पता भी ये होना चाहिए कि नियोनेटल रिसर्टिटेशन कौन से पेशेंट को दे सकते हैं। बोल सकते हैं अपन कि कंप्रेशन जो उसे चेस्ट कंप्रेशन कर रहे हैं, ब्रीथिंग आर्टिफिशियल ब्रीथिंग दे रहे हैं, तो कौन से पेशेंट को देनी है या कौन से पेशेंट को नहीं देनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन की मैं वजह से बात करूँ कि कौन सी कंडीशन में आपको देनी है, कौन सी कंडीशन में आपको नहीं देनी है। ठीक है, जैसे अपन ने अडल्ट के अंदर पढ़ा कि अगर मान लो कोई अडल्ट के अंदर आप पढ़ते हो कि CPR तब देना होता है जब पेशेंट कोई मान लो इमरजेंसी केस के अंदर अगर एक्सीडेंटली हो जाए, देन उसकी बोल सकते हैं रेस्पायरेशन रुक जाए हैं और उसको मतलब अलर्टनेस बोल सकते हैं, कॉन्शियसनेस ना हो उसको, मतलब अनकॉन्शियस हो गया, ब्रीथिंग आना बंद हो गई और पल्स आना बंद हो गई, पल्स भी बोल सकते हैं कि अपन कैरोटिड पल्स चेक करते हैं वो भी आना बंद हो गई, देन आफ्टर दिस क्या एक्शन लेते हैं अपन, CPR स्टार्ट कर देते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, तो जस्ट हम इसे न्यूनेटल के अंदर वही बात है कि यहाँ पर भी अगर मान लो कैरोटिड आर्टरी ना चेक करके यहाँ पर ब्रेकियल आर्टरी चेक करते हैं, कौन सी आर्टरी चेक करते हैं अपन इसके अंदर, ब्रेकियल आर्टरी चेक करते हैं बच्चों के अंदर न्यूनेटल के अंदर, ब्रेकियल आर्टरी से अपन असेसमेंट करते हैं कि बच्चे की पल्स चल रही है नहीं चल रही है, रेस्पायरेशन चेक करते हैं, देन आफ्टर अगर नहीं होता ये चीज़ें तो उसके बाद क्या करते हैं अपन रिसर्चेशन देते हैं या बोल सकते हैं CPR स्टार्ट कर देते हैं। बच्चों और बड़ों बोल सकते हैं अडल्ट के अंदर दोनों के अंदर डिफरेंस होता है, अलग अलग मेथड्स यूज़ करते हैं, मतलब मेथड सेम होता है पर उसके अंदर जो टेक्निक्स होती है वो अलग होती है। ठीक है, तो बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द नेशनल रिसर्टिटेशन प्रोग्राम की, अपन बात करें कि नेशनल जो प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं रिसर्टिटेशन के लिए, रिकवर करने के लिए जो प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग न्यूबॉर्न को कि डू नॉट रिक्वायर द रिसर्टिटेशन, उनके अकॉर्डिंग क्या होता है, कौन से बच्चों को रिक्वायर्ड नहीं है रिसर्टिटेशन करने की, कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं, जनरली टू आइडेंटिफाई द रैपिड असेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स, कि ऐसे कौन से बच्चे हैं कि आपने असेसमेंट किया, असेसमेंट करने के बाद उनको पता लगा कि इन बच्चों को क्या नहीं देना है रिसर्टेशन नहीं देना है, तो ऐसे कौन से बच्चे हैं नेशनल रिसर्टेशन प्रोग्राम के अकॉर्डिंग क्या करते हैं जो न्यूबॉर्न के, कि उनको रिक्वायर होती है रिसर्टेशन, उनको क्या करने करना है आइडेंटिफाई करना है, तो उसको रिसर्चेज करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कौन-कौन से बच्चे हैं तो मैं बात करता हूँ, पहले बात करता हूँ टर्म गेस्टेशन कि जो बच्चे 37 वीक से लेकर 42 के बीच के बच्चे, अगर मान लो उनका जन्म होता है कि बर्थ होता है बच्चे का 37 वीक से लेकर 42 वीक के बीच में, तो वो टर्म कंडीशन हुई, प्री टर्म भी नहीं है पोस्ट टर्म भी नहीं है, तो ऐसे वाले बच्चों के लिए ज़रूरत है क्या, नहीं है ज़रूरत, क्योंकि उनके बच्चे के जो टर्म वाले बच्चे होते हैं उनके प्रॉपरली लंग्स मैच्योर हो जाते हैं, सर्फेक्टेंट बनना स्टार्ट हो जाते हैं, सर्फेक्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, बच्चा आसानी से क्या ले सकते हैं, ऑक्सीजन ले सकता है, पल्स रेट प्रॉपरली अच्छे से चलती है, बच्चा मतलब एक तो तरीके से चेक करें तो अपन टर्म बेबी के जो अफगार स्कोर अपन चेक करते हैं, देन आफ्टर द अफगार स्कोर अगर 7 से 10 के बीच में आ रहा है तो उसको कोई भी ज़रूरत नहीं है रिसर्टिटेशन करने की, तो उन बच्चों को ज़रूरत नहीं होती है। तो पहली कंडीशन होगी कि बच्चा टर्म कंडीशन में तो नहीं देना है, देन कि कर रहा है कि नहीं, नेक्स्ट है क्राई कैन ब्रीथिंग कि बच्चा रो रहा है या ब्रीथिंग प्रॉपरली, अगर बच्चा रो रहा है तो मतलब उसको रेस्पायरेशन प्रॉपरली आ रही है, अगर बच्चा बिल्कुल भी नहीं रो रहा है साइलेंट है तो मतलब उसको ब्रीथिंग नहीं आ रही है, मतलब ब्रीथिंग में क्या होता है रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस भी हो सकता है, बच्चे की नोज चेक करने से पता चल जाएगा, नोज चेक करने के बाद उसको जो फ्लैरिंग ऑफ द नोज हो जाए, मतलब जो नाक है फूलना स्टार्ट हो जाए, मतलब रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो उससे क्या हो जाएगा, उससे बच्चे के अपन फिर देन उसके बाद उसको ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगाना होता है, ऑक्सीजन लगाना होता है जिससे बच्चे को रिकवर हो जाए, बट यहाँ पर ठीक है। तो देन उसके बाद अपन बात करते हैं कि नेक्स्ट की बात करते हैं कि अगर तीसरी कंडीशन हो, तो यहाँ पर पता लग गया कि जब क्राइंग एंड ब्रीथिंग कर रहा है बच्चा अच्छे से, तो मतलब अपन चेक करते हैं है उसके रेस्पायरेशन है या नहीं है, तो अगर नॉर्मली रेस्पायरेशन ले रहा है तो उसको ज़रूरत नहीं है, बट देन फिर उसके बाद अपन देखते हैं कि गुड मसल टोन, अगर मान लो बच्चे की मसल टोन अच्छी है, बच्चा एक्टिविटीज़ प्रॉपरली कर रहा है, बहुत अच्छे से एक्टिविटीज़ कर रहा है, उसकी मसल टोन अच्छी सी हो रही है, तो उससे भी क्या पता चला उसको रिसर्टिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो कंडीशन भी क्या है बच्चे की नॉर्मल कंडीशन। तो ये तीनों कंडीशन है, बच्चा अगर टर्म गेस्टेशन में हो, बच्चा अच्छे से रो रहा है, ब्रीथिंग प्रॉपरली ले रहा है एंड मसल टोन अच्छी है, तो उसको रिसर्टिटेशन की ज़रूरत नहीं है, उसको उसको रैपिड असेसमेंट कर, तो ये तीन करेक्टरिस्टिक्स होना ज़रूरी है बच्चे के रिसर्टिटेशन के लिए चेक करना ज़रूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसी के अंदर जो रिसर्टिटेशन का अलग मेथड यूज करेंगे वो है TABC रिसर्टिटेशन या TABC मेथड वो जिसे बोल सकते हैं या TABC, अपन को क्या करना रिसर्टिटेशन में इन चीज चारों चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, किस तरीके से क्या करना है, किस तरीके से क्या नहीं करना है, वो अपन इसके अंदर चेक करेंगे। ठीक है, तो अपन देखेंगे यहाँ पर। ठीक
ठीक है, तो अपन देखते हैं कि सबसे पहले है कि TABC के अंदर अपन देखेंगे कि फर्स्ट वाला है जो है मेंटेन ऑफ टेम्परेचर, कि टी से मतलब होता है कि टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को मेंटेन करना। टेम्परेचर को किस तरीके से मेंटेन किया जाएगा वो इसके अंदर अपन देखते हैं कि किस तरीके से मेंटेन करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बच्चा जैसे जन्म लेता है, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि न्यूबॉर्न जो असेसमेंट में पढ़े थे उसके अंदर मैंने बताया था कि बच्चे को क्या करना है, जो वॉर्म एंड ड्राई टावल है उसके अंदर क्या करते हैं बच्चे को क्या करना है, कवर करके रखना है, या उसको क्या बच्चे का जो स्किन है उसको क्या करना है क्विकली क्या करना है ड्राई करना है। सबसे पहले मेंटेन करना, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ड्राई द बॉडी क्विकली, बच्चे की जो बॉडी है उसको क्विकली जल्दी से जितना फास्ट हो सके उससे ज़्यादा क्या करना है उसको ड्राई करना है। देन उसके बाद रिमूव वेट लाइनन, लाइनन की मैं बात करूँ कि जो चादर से बेडशीट है जो भी कपड़े हैं जो गीले वाले कपड़े हैं उनको क्या करना है रिमूव करना है, तो रिमूव वेट जो गीले वेट एंड गीले एंड लाइनन एंड जो भी बेडशीट है जो भी कवर कर रखा है उसको उससे क्या करना है उसको रिमूव करना है। अगर वो रिमूव नहीं करेंगे तो बच्चे को क्या होगा टेम्परेचर उसको सर्दी लगेगी शिवरिंग और से प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो बच्चे की जो लाइनन है उसको रिमूव करना है, उसमें जो बेडशीट को रिमूव करना है जिससे वो अचानक से वो ड्राई हो सके। प्लेस द बॉडी अंडर रेडिएंट वार्मर, बच्चे को क्या करना है रेडिएंट वार्मर में रखना है रूम पे टेम्परेचर के ऊपर, उसके जो मेंटेन रहे उसका टेम्परेचर, उसके हाइपोथर्मिया कंडीशन ना हो। ठीक है, तो बच्चे को क्या करना है रेडिएंट वार्मर में जो वॉर्म है जो उसका रेडिएशन एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो रेडिएंट वार्मर में क्या बच्चे का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे, तो बच्चे को कहाँ पर लिटाना है रेडिएंट वार्मर में, कहाँ लिटाना उसको रेडिएंट वार्मर के नीचे अंडर में रखना है। तो ये टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए तीन चीज़ ज़रूरी होनी चाहिए, बच्चा जैसे जन्म लेता है जैसे डिलीवर होता है सबसे पहले ड्राई करना है उसको क्विकली जितना फास्ट हो सके, देन उसके बाद रिमूव करना है जो भी वेट लाइन है उसको रिमूव करना है, साथ में बॉडी जो अंडर रेडिएंट एनवायरमेंट में बच्चे को रखना है। ठीक है, सेकंड देखेंगे अपन, सेकंड क्या करना है, सेकंड अपन को करना है बच्चे की एयर वे को, जो TABC का मतलब होता है, टी का मतलब होता है टेम्परेचर, ए का मतलब होता है एयर वे, एयर वे को मेंटेन करना, क्या करना एयर वे को मेंटेन करना या ओपन एयर वे करना, तो ए का मतलब है इस्टाब्लिश ऑफ ओपन एयर वे, एयर वे को क्या करना है ओपन करना है बच्चे को, कि किस तरीके की पोजिशन देने की बच्चे के जो एयर वे मान लो कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा हो सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही हो प्रॉपरली रेस्पिरेशन नहीं ले पा रहा है तो अपन को किस तरीके से पोजिशन देनी है, या बोल सकते हैं अपन कि म्यूकस अगर मान लो माउथ के अंदर जमा हो नोज के अंदर जमा हो तो उसके द्वारा सक्शन के द्वारा बाहर निकालना, क्लियर करना एयर वे को क्या करना है क्लियर करना, सेकंड फर्स्टली क्या करना है टेम्परेचर को मेंटेन करना है, देन आफ्टर दैट एयर वे को क्या करना है क्लियर करना है। तो इस्टाब्लिश ऑफ ओपन एयर वे, तो पोजिशन द इन्फेंट, इन्फेंट की जो पोजिशन है वो किस तरीके से देंगे, ठीक है, नेक को जब बोल सकते हैं अपन बोलते हैं हेल्ड एंड चिल्ड जो मेथड यूज करते हैं अपन, हेल्ड एंड चिल्ड वाला मेथड यूज करते हैं वो सेम एज इन द न्यू बोर्न के अंदर भी अपन वही यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके बच्चे को पोजिशन देते हैं, बच्चे को पोजिशन दे या सेक्शन ऑफ द माउथ एंड नोज, बच्चे की जो माउथ है और नोज के अंदर क्या करते हैं सक्शन करते हैं जिससे जो म्यूकस जमा हुआ है जो इम्यूनिटी फ्लूड जमा हुआ है उसको क्या कर बाहर क्यों निकाल के बच्चे के जो एयर वे है उसको क्या करना है क्लियर करना है अपन बोल सकते हैं, या बल्ब सिरिंज बोल सकते हैं जिससे बल्ब सिरिंज से शक करके या सक्शन मशीन के द्वारा सक्शन के मशीन के द्वारा माउथ को नोज को क्या करना है सक्शन शक करना है और उसके जो म्यूकस जमा हुआ है या बोल सकते हैं इम्यूनिटी फ्लूड जमा उसको बाहर निकालना है जिसको एयर वे को क्या करना है क्लियर करना है। लास्ट वन क्या करते हैं इसके अंदर ईटी इंट्यूबेशन की बात करें, कि ईटी इंट्यूबेशन अगर मान लो बच्चे की मान लो इतना करने के बावजूद मान लो सबसे बात करें अपन कि टेम्परेचर मेंटेन किया ओपन एयरवे पोजीशन देने के बाद सक्शन देने के बाद बच्चे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है रेस्पिरेशन वगैरह अपन इसको एयरवे के लिए अगर मान लो ये चेस्ट कंप्रेशन में दे रहा है तो उस कंडीशन में क्या करता है फिर ईटी इंट्यूबेशन भी किया जाता है बच्चे को एयरवे जो बात बात कर सके अपन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की बात करें कि बाहर से जो रेस्पिरेशन दी जाती है बच्चा खुद रेस्पिरेशन प्रॉपरली नहीं ले पा रहा तो उसको ईटी ट्यूब लगाई जाती है। एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन जिसे बोल सकते हैं एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन जो जो एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन माउथ के थ्रू ट्रेकिया के अंदर होते हुए माइंग लंग्स के अंदर जो रेस्पिरेशन दी जाती है ईटी ट्यूब जो बच्चों के अलग अलग नंबर्स की आती है वो इंसर्ट करते हैं इफ नीडेड टू एंश्योर ओपन वे, अगर उसको आवश्यक है तो इंट्यूबेशन किया जाता है, अदरवाइज अगर आवश्यक नहीं है तो नहीं करते, वो सेचुरेशन पर डिपेंड करता है बच्चे की जो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको इंट्यूबेशन करने की जरूरत है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर, तो ए मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करना, अभी एक टी का मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करना, ए का मतलब एयरवे को ओपन करना। नेक्स्ट देखते हैं बी इनिशिएट ब्रीथिंग, कि बच्चे की जो इनिशिएट ब्रीथिंग है मतलब बोल सकते हैं कि अपन यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि बच्चे के आफ्टर बर्थ होने के बाद जैसे मोस्टली प्री टर्म जो बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या होता है ब्रीथिंग जो आफ्टर बर्थ के बाद जो हो जाते हैं इनको इनिशिएट ब्रीथिंग जाती है जैसे रेस्पिरेटरी जैसे बोल सकते हैं अपन को और सफिशियंट मार्क और रेस्पिरेशन होता है तो उनको बाद में क्या होता है जो रेस्पिरेशन दिया जाता है। ठीक है, तो इनिशिएट ब्रीथिंग के अंदर सबसे पहले अपन जो मेथड यूज़ करते हैं इनिशिएट बाहर से बोल सकते हैं रेस्पिरेशन दी जाती है ब्रीथिंग दी जाती है तो टैक्टाइल स्टिमुलेशन टू इनिशिएट रेस्पिरेशन,
टैक्टाइल स्टिमुलेशन का मतलब कि वार्मिंग करना, ड्राइंग करना, रबिंग करना बैक साइड में सोल एंड फिट। तो उसके बाद क्या करना है, जो गाइडलाइन करना, स्टिमुलेट करना स्पॉन्टेनियस जो ब्रीथिंग है, उसको क्या करना, स्टिमुलेट करना ब्रीथिंग प्रॉपर्ली, जो बच्चा आसानी से ब्रीथिंग ले सके, वो सब करते हैं। जो टैक्टाइल स्टिमुलेशन मतलब रबिंग करके, टैक्टाइल स्टिमुलेशन बच्चे के बैक साइड में रब करके हैं, सोल को रब करके, जैसे कि बच्चे के जो वार्म करके या ड्राई करके, उस हिसाब से बच्चा क्या सके स्पॉन्टेनियस जो रेस्पिरेशन की जो रेट है वो बढ़ सके, बच्चा आसानी से सांस ले सके, वो टैक्टाइल स्टिमुलेशन यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट में बात करूँ इसके अंदर जो यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है पीपीवी। पीपीवी का मतलब है पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, कि पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन बोल सकते हैं, या मैकेनिकल रेस्पिरेटरी या मैकेनिकल डिजाइन जो 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 एक्सचेंज कर सके लंग्स के अंदर जो एटमोसफेयर जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो बोल सकते ऑटोमेटिकली वो जो मशीन के द्वारा जो कर सकते हैं। तो पीपीवी अगर इसके अंदर नेसेसरी है तो यूजिंग आइदर द बैग एंड मास बैग एंड ईटी ट्यूब, कि अपन बोल सकते हैं जो कि मास के द्वारा, एम्बू बैग के द्वारा, मास के द्वारा, या बोल सकते हैं ईटी ट्यूब के द्वारा बच्चे को क्या करते हैं ब्रीथिंग प्रॉपरली दे सके, बच्चे के जो रिकवर कर सके। तो पीपीवी अपन इसके अंदर अगर नेसेसरी है तो अपन यूज कर सकते हैं। जो पीपीवी का फुल फॉर्म है पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। वैसे मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा पूरा अपने ये टीएबीसी रिसर्टेशन का मतलब क्या होता है, ये मैं बता रहा हूँ अभी, तो जो बोल सकता हूँ कि रिसर्टेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको मैं डिटेल से आपको और भी अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसमें मेथड बताऊंगा किस तरीके से रेस्पिरेशन दी जाती है, किस तरीके से सर्कुलेशन किया जाता है, वो आपको सब किसके अंदर मैं बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट है सर्कुलेशन की बात करें, कि सर्कुलेशन सी का मतलब है सर्कुलेशन, सर्कुलेशन का मतलब है कि बच्चे का जो ब्लड है वो सर्कुलेट किस तरीके से किया जाता है, वो सर्कुलेट किया जाता है चेस्ट कंप्रेशन के थ्रू। अगर बच्चे का चेस्ट कंप्रेशन करेंगे, भले अपन बोल सकते हैं कि बड़ों के अंदर तो अपन क्या यूज़ करते हैं, दोनों हैंड्स को यूज़ करके क्लोज करके और पेशेंट के जो स्टर्नम है वहाँ पर अपन क्या कंप्रेस किया जाता है, वैसे ही सेम एज बच्चे के कंप्रेस किया जाता है, बट यहाँ पर यूज़ क्या करते हैं, थंब या फिंगर यूज़ किया जाता है चेस्ट कंप्रेशन के लिए, बच्चे के सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए। तो ये थंब और वो सकते हैं अपन फिंगर यूज करते हैं, बच्चे सर्कुलेशन चेस्ट कंप्रेशन करते हैं, एंड साथ में अगर चेस्ट कंप्रेशन सर्कुलेशन के और साथ में अपन क्या यूज़ करते हैं, मेडिकेशन यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, मेडिकेशन यूज़ करते हैं, जिससे बच्चे की जो हार्ट है वो एक्टिव, वो ज़्यादा अलर्ट हो, या बोल सकते हैं वो ज़्यादा बोल सकते हैं कम बोल सकते हैं पंप ज़्यादा करना स्टार्ट कर दे, बच्चे के वो जो एक्टिवनेस आना स्टार्ट हो जाए, जिससे वो रिदमिक बन जाए, जिससे रेगुलरली कंप्रेशन होने से, या बोल सकते हैं रेगुलरली ब्लड सप्लाई होने से बच्चे को जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर मिल सके, और उससे क्या होता है जो बच्चे की रिकवरी पोजिशन या रिसर्टिटेशन की कंडीशन आ सके, वो इसके अंदर करते हैं। तो अपन ने चार चीज़ पढ़ी है। फर्स्टली अपन पढ़ी बच्चे का टेम्परेचर को मेंटेन करना, रिसर्टेशन में टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है, देन उसके बाद मेंटेन करने के लिए अपन ड्राई करना पड़ेगा, लाइनर को रिमूव करना पड़ेगा, वेट लाइन को रेडिएंट एनवायरमेंट में रखना पड़ेगा बच्चे को, ये फर्स्टली है टेम्परेचर मेंटेन। नेक्स्ट ओपन एयर पे पोजिशन देनी पड़ेगी, माउथ ने उसको क्लियर करना पड़ेगा, साथ में अगर जरूरत पड़ सकती है तो ई टी ट्यूब भी अपन इंट्यूबेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनिशिएटिव ब्रीथिंग, कि बच्चे को ब्रीथिंग देने के लिए अपन जो यूज़ करते हैं टैक्टाइल स्टिमुलेशन जो स्पॉन्टेनियस बोल सकते हैं रबिंग करके अपन, या पीबीवी यूज़ करके। देन आफ्टर द सर्कुलेशन, बच्चे का सर्कुलेशन को मेंटेन करना, ब्लड सर्कुलेशन कराना पूरी बॉडी के अंदर, अगर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली होगा, रेस्पायरेशन प्रॉपर होगा, तो बच्चे के अंदर जो जो बोल सकते हैं कि जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो वहाँ रिकवर होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको मैंने अभी तक जो बताया न्यूनेटल रिसर्टेशन क्या होता है और टीएबीसी रिसर्टेशन का क्या होता है। नेक्स्ट जो अपन स्टार्ट करेंगे इसके अंदर आगे जो स्टार्ट करेंगे इसी टॉपिक को कंटिन्यू, स्टेप ऑफ द रिसर्टेशन, कि कौन कौन सी स्टेप्स है रिसर्टेशन की, वो अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, आप कंटिन्यूस नोट्स लिखते रहिए, समझते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।